नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश मीडिया संघ सौसर की ओर से प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भर नगर के बेलगांव स्थित महिला स्वाधार गृह आश्रम में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आश्रम की बहनों ने पुलिस अधिकारियों, आयोजन समिति के सदस्यों एवं पत्रकारों को राखी बांधकर रक्षा का वचन लिया। आयोजन को संबोधित करते हुए सौसर डीएसपी एसपी सिंह, थाना प्रभारी सियाराम सिंह गुर्जर ने कहा कि मध्य प्रदेश मीडिया संघ के द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम बहुत सराहनीय है। आश्रम में निवास करने वाली बहनों को डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ में, आपके कंधे से कंधा मिलाकर भाई के रूप में पत्रकार भाई भी हैं। आयोजन कमेटी और पूरा प्रशासन खड़ा है। आयोजन में मध्य प्रदेश मीडिया संघ के जिलाध्यक्ष गया प्रसाद सोनी ने बताया कि मीडिया संघ के माध्यम से निरंतर सौसर क्षेत्र में दीन दुखियों एवं गरीब लोगों के सर्वांगीण विकास को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान भी मध्य प्रदेश मीडिया संघ के माध्यम से निरंतर 3.5-4 महीने से विभिन्न क्षेत्रों में जाकर दुखियों को, गरीब परिवार को भोजन सामग्री, कपड़े, सैनिटाइजर, मास्क बांटकर पूर्ण मदद और सेवा निरंतर की जा रही है। पुलिस प्रशासन एवं पत्रकार भाइयों के द्वारा भी आश्रम के बहनों के हरदम रक्षा सुरक्षा करने का वचन दिया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश मीडिया संघ के द्वारा सभी बहनों को उपहार भी वितरण किए गए। आयोजन में आश्रम संचालक, पूर्व विधायक रामराव जी महाले, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजकिशोर चांडक, डॉक्टर संदीप नखाते, राजू बनाइत, देवेंद्र केदार, रमेश पातुरकर, मुकेश बागड़े, गणेश हेवरकर, हंसराज बारस्कर, चेतन साहू, रमेश पाठे, शुभम लाकड़े, गगन सोनी आदि उपस्थित थे। बताया कि हम इस तरह का एक कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं, तो आपको आना है। तो समाज के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सीधे सीधे प्रशासनिक व्यवस्थाओं का दखल नहीं है, पर सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं समाज के हर पक्ष, हर पहलू से जुड़े रहते हैं, तो उनकी कई समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि समस्याएं जब तक जीवन है तब तक समस्याएं हैं, और कानून और नियम, संविधान का मतलब भी तब तक है जब तक जान है तो जहान है। आपने देखा होगा कि बड़े से बड़ा दुर्दांत अपराधी जब मर जाता है तो सारी फाइलें उसकी बंद हो जाती है। जब तक जिंदा है कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है ये पता ही नहीं। अब इस जिंदगी को आप इनाम में मान लें, सजा में मान लें, या अपने कर्म फल के, पिछले कर्म के योग में मान लें कि वो, किसी ने कहा, मैं बहुत ज्यादा, कोई मांगने आया आपसे, मैंने आज सुबह पढ़ा कि कोई आपसे मदद मांगने के लिए आया, या आप किसी की मदद कर रहे हैं, या आप किसी को, जिसको कहते हैं ना, धन देना, कर्ज देना, तो ये भी मत भूल जाइए। हो सकता है कि उसका पिछले जन्म का कुछ ऐसा योग जन्म हो कि वो पिछले जन्म का उस आपके ऊपर उसका उतारा हो, तभी वो आपके पास आया है। आप ये भी मान के चले कि कहीं ना कहीं से अगर आप इस व्यवस्था में अगर विश्वास रखते हैं तो ये जीवन है अंगूर का दाना, खट्टा और मीठा। आप देखते हैं हर चीज की परिणति प्रकृति ने कुछ ऐसी बनाई है कि भूल भलैया है। बड़े बड़े विद्वान आखिर में जाकर ये कह देते हैं, भैया कुछ नहीं रखा है, फिर क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है। तो ये कहते हैं कि भाई प्रेम से रहो, भाईचारे से रहो। जब आदमी दौड़ से हार थक के, आपने देखा विजेता में सम्राट अशोक, जब इतना बड़ा नरसंहार हुआ तो उसने कहा कि लाला ऐसी जीत, ये जीत का क्या करूं, ये ऐसे ताज का क्या करूं। खैर, बातें तो बहुत सारी है। आज मेरा आश्रम में ये तीसरी बार आना हुआ है, और आश्रम से काम तो हमें लगभग हर महीने ही पड़ता है, क्योंकि कई महिलाएं ऐसी रहती हैं जो हमें मिलती हैं, और उनका या तो जैसे बताया कि वो घर से, परिवार से, समाज से त्याग दी जाती है किसी कारणवश, उनको यहाँ रखने के लिए हम यहाँ व्यवस्था करते हैं, तो हमें लगातार यहाँ से एक अच्छा सहयोग मिलता है, और महिलाओं को भी यहाँ एक अच्छे पुनर्वास की व्यवस्था मिलती है, जो तहसील स्तर पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में शायद ही किसी जगह पर होगी जो अपने यहाँ सौसर में है। ये बहुत ही सराहनीय सामाजिक कार्य है जो बहुत दुर्लभ देखने को मिलता है,
और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माले जी को कि उन्होंने जो बीड़ा उठाया है वो सफलतापूर्वक आज 28 साल से चल रहा है। इस काम में निश्चित तौर पे समाज का जितना सक्रिय योगदान आपको को मिलना चाहिए उतना आश्रम को नहीं मिला, ये बिल्कुल सही बात है। और मैं आशा करता हूँ कि आप यदि बार बार इस चीज़ को प्रशासन की और हमारे ध्यान में आएंगे तो हम लोग इसमें जो भी हमारी मदद हो सकती है तो भरपूर मदद करेंगे। खबर समय जगत के लिए छिंदवाड़ा से ब्यूरो चीफ अजीत पांडे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।